हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द लेसन नंबर फर्स्ट ऑफ 10th क्लास। माय फर्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क दैट वन कनेक्टेड टू ईच अदर। ए कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट द अदर कंप्यूटर टू शेयर द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर। मीन्स व्हाट इज नेटवर्क? एक या एक से ज्यादा आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहां पर जैसे तीन कंप्यूटर हैं, फर्स्ट सर्वर, सेकंड टू क्लाइंट मशीन। हमारे पास कितने पीसीज हैं? अभी फर्स्ट सर्वर एंड सेकंड एंड थर्ड क्लाइंट मशीन। अब इन सेकंड और थर्ड क्लाइंट मशीन को हमें सर्वर के साथ ऐड करना है। तो सर्वर के साथ हम ऐड कैसे करेंगे? नेटवर्किंग का यूज करके हम क्या करेंगे? दोनों क्लाइंट मशीन को सर्वर के साथ ऐड करेंगे। जैसे ही हम यहां पे नेटवर्किंग कर देते हैं, तो नेटवर्किंग करने के बाद क्या हुआ? ये तीनों ही कंप्यूटर आपस में क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं, यानी कि कनेक्ट हो गए हैं। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं? सर्वर के बीच में और क्लाइंट के बीच में डेटा को क्या कर सकते हैं? इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। मीन्स एक कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट द अदर कंप्यूटर टू शेयर द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। ये अलाउ कौन करेगा? कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ करेगा। अलाउ मीन्स सर्वर अलाउ करेगा। ये अब कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस होने चाहिए? एक सेंडर और एक रिसीवर। अब इसमें सेंडर कौन है? सेंडर है सर्वर। और क्लाइंट कौन है हमारे पास? रिसीवर। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों पीसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसका यूज करके? नेटवर्किंग का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब व्हाट इज हार्डवेयर? यानी कि जो प्रिंटर्स हमने यूज किया है वो हमारे क्या है? हार्डवेयर मशीन्स। जो सीपीयू है, कंप्यूटर है, पेन ड्राइव है। और सॉफ्टवेयर क्या है? जिन सॉफ्टवेयर के यूज करके, जिन एप्लीकेशंस का यूज करके हमने डाटा को ट्रांसफर किया है, एक्सचेंज किया है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। जो डाटा को क्या करेगा? ट्रांसफर करने में, एक्सचेंज करने में हमारी क्या करेगा? हेल्प करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, एलोन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क इज कॉल्ड एलोन कंप्यूटर। यानी कि जो कंप्यूटर हमारा नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, ऐड नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है, उस कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एलोन कंप्यूटर। ए कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क दिस इज कॉल्ड एलोन कंप्यूटर। यानी कि जो कंप्यूटर हमारा नेटवर्क से ऐड नहीं होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उस कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? एलोन कंप्यूटर।
नेक्स्ट वेबसाइट, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, मल्टीमीडिया फाइल और www दैट कंटेन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच वाज आल प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन और एंटिटी इन द वेबसाइट आर द डिजिटल फाइल जनरली रिटन यूजिंग इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वेबसाइट क्या होती है, यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर हमारी क्या होती है, वेबसाइट रेडी होती है। अब वेबसाइट वेब पेजेस के अंदर क्या क्या होता है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियोस, मल्टीमीडिया फाइल्स और www, यानी कि www बड़ी तो फुल फॉर्म ऑफ www, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट पर हम जो वेब पेजेस को मिलाकर जो हमारी वेबसाइट होती है उन सभी को हम क्या कहेंगे, वेब पेजेस। नेक्स्ट अब कह रहे कि इसके अंदर जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो कहाँ राइट होते हैं, आर द डिजिटल फाइल्स जनरली रिटन इन द यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जितना भी हमारा डिजिटल पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर जितना भी हमारा वर्क होता है, वो वर्क हमारा कहाँ राइट होता है, वो वर्क हमारा HTML के अंदर राइट होता है। HTML का फुल फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जितने भी हमारे वेब पेजेस से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो भी हमारा एडिट करना है, टेक्स्ट है, इमेज है, फोटो है, मल्टीमीडिया फाइल, जो भी हमारा डाटा ऐड करना है, वो एडिंग का वर्क कौन कर रहा है, वो HTML कर रहा है। यानी कि सभी ऑल वेब पेजेस को मिलाकर हमारी क्या रेडी हो रही है, एक वेबसाइट रेडी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक स्कूल की वेबसाइट है, अब स्कूल की वेबसाइट के अंदर हमारे वेब पेजेस कौन कौन से हुए, लाइक फर्स्ट हमारा कोई भी एडमिशन का रिगार्डिंग काम है, टेस्ट से रिलेटेड कोई भी वर्क है हमारा, गेम से रिलेटेड जो भी हमारा वर्क है, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड वर्क है, फीस से रिलेटेड कोई भी हमारा वर्क है, तो ये हमारे सभी क्या रेडी हो गए, ये हमारे डिजिटल पेज रेडी हो गए। अब ये डिजिटल पेज हमारे कहां पे जाके राइट हुए, ये हमारे HTML लैंग्वेज के अंदर रेडी हुए। तो जो भी वर्क हमारा, जितना भी वर्क है, टेक्स्ट रिलेटेड है, इमेज से रिलेटेड है, जो भी वर्क हमारा जहां भी राइट हो रहा है, जिस एप्लीकेशन में वो राइट हो रहा है, उस एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, HTML लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड HTML लैंग्वेज। और वेबसाइट कैसे रेडी हुई है, देखिए काफी सारे वेब पेजेस को मिलाकर हमारी क्या रेडी हुई है, एक वेबसाइट रेडी हुई है। वेबसाइट के अंदर जितना भी हमारा वर्क हुआ है, वो सारा का सारा वर्क हमारा कहाँ राइट हुआ, HTML के अंदर राइट हुआ। अब भी कहाँ रहा है, हमें इंटरनेट पर दिख रहा है वेबसाइट। जैसे कि मैंने भी बताया कि हम कोई एडमिशन के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग, गेम्स के रिगार्डिंग, प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, कोई भी हमारा वर्क है, जो वेब पेजेस को मिला के जितना भी हमारा वर्क है, वो सारा वर्क हमारा कहाँ जा रहा है, वो वेबसाइट के अंदर जा रहा है। तो माई नेक्स्ट टॉपिक इज वेब ब्राउजर, ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा मेन्यू। अब वेब ब्राउजर के बारे में बात करें तो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम इंटरनेट को क्या करते हैं, रन करते हैं, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के अंदर हम इंटरनेट को क्या करते हैं, रन करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उस एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा मिनी। तो इन सभी एप्लीकेशन का यूज करके हम कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर इंटरनेट के क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं। यदि हमारे पास ये सभी एप्लीकेशंस हैं तो हम इंटरनेट को क्या इजीली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग, ए ब्लॉग इज ए वेब पेज दैट सर्व एज ए पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल।
ए ब्लॉग इज ए फ्रीक्वेंट अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। अब ब्लॉग के बारे में यदि हम बात करें तो ब्लॉग किसे कहते हैं? ब्लॉग एक ऐसी डायरी होती है जिसके अंदर कोई भी यूजर अपने डेटा राइट कर सकता है। अब ये ब्लॉग दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि हम ऑफलाइन के बारे में बात करें तो ऑफलाइन एक डायरी होती है जिसके अंदर कोई भी यूजर अपने व्यू राइट करते हैं। बट यदि इस इन्हीं व्यू को हमें इंटरनेट पर ऑनलाइन ऐड करना हो तो राइट करना हो तो हम क्या करेंगे? तो इंटरनेट पर हम ऑनलाइन एक वेबसाइट पर या वेब पेज क्रिएट करके वहां पर हम अपने व्यूज को अपने सभी को राइट कर सकते हैं। किसके अंदर? एक डायरी के अंदर। तो जो व्यू हम इंटरनेट पर ऑनलाइन राइट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ब्लॉग कहेंगे। यानी कि उस डायरी को हम क्या कहेंगे? उस डायरी को हम क्या कहेंगे? ब्लॉग कहेंगे। यानी कि जहां पर कोई भी यूजर अपनी पर्सनल व्यूज को जहां पर राइट करेगा अपडेट करेगा तो उस डायरी को हम क्या कहते हैं? उस डायरी को हम ब्लॉग कहेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग, द ऑथर ऑफ ए ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर एंड ए ब्लॉगर इज द वन हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेटेड एंट्रीज इन